वेलकम टू आवर चैनल क्रिस्टल कार केयर। आज हम आपको स्टूडियो में दिखाने वाले दो वेन्यू का काम। पहली वेन्यू आप यहाँ देख सकते हैं, दूसरी वेन्यू वो खड़ी हुई है। दोनों वेन्यू में काम है। पहले मैं इस वेन्यू से शुरुआत करता हूँ। तो इस वेन्यू में आपको दिख रहा होगा फ्रंट में हमने इसमें DRL इंस्टॉल करी है, जो कि इसी की लाइट को खोल के लगाई जाती है। काफी इकोनॉमिकल पड़ती है गाइस। और जिन भाइयों का क्वेश्चन रहता है कि इस गाड़ी में अगर हम ऐसे खुलवा के लगाते हैं तो अंदर भाप डस्ट वगैरह जाता है, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो रीपैकिंग होती है ना, प्रॉपर वही तरीके से होती है जैसे कंपनी के तरीके से होती है। और इसका डिफ्यूजर हमारे पास फ्रंट का अवेलेबल है, वो भी आप लगवा सकते हैं। बाकी गाइज इस पे साइड में आप ये फुटरेस्ट देख रहे हैं, फुटरेस्ट हमने इसमें इंस्टॉल किया है, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का होने वाला है। आप देख सकते हैं काफी स्ट्रांग है, इसमें दो तीन बंदे खड़े भी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और साइड में लोअर गार्निश आप देख सकते हैं, ये भी हमने इसमें इंस्टॉल करी है। और ऊपर डोर वाइजर्स भी लगाए गए हैं। और गाइज ये जो वेन्यू की साइड क्रोम देख रहे हैं ना, ये भी इसमें लगाई गई है। इसकी क्रोम ना, इसकी क्रोम फ्रंट पे भी रहने वाली है और बैक पे भी ऐसी रहने वाली है। टायर क्लैडिंग के ऊपर बैक में रियर गार्ड लगाया हमने और एक कैमरा इंस्टॉल किया है। साथ ही साथ इसकी टेल लाइट हमारे पास अवेलेबल है, टेल लाइट चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगी। फ्रंट में कंपोनेंट होने वाला है, पीछे को एक्सेल होने वाले हैं। और भाई साथ ही साथ आप देख सकते हो तो वेन्यू की वेलकम प्लेट भी हमने इसमें इंस्टॉल करी, जो कि नीचे लगाई गई है। और अब बात करते हैं अंदर से आपको मैं दिखाऊं तो सीट कवर्स इसमें लगाए गए हैं। पैटर्न आप देख सकते हो, कलर टोन आप देख सकते हो, दोनों पहले मैच कर दिए गए हैं। जैसे कि इंटीरियर होने वाला है वैसे ही कलर टोन होने वाले। और वैसे यहाँ से भी आपको दिखा दूं, क्वालिटी आप देखो, फिनिशिंग देखो, बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। भाई ऐसा नहीं है कि सीट कवर्स खराब हो जाएंगे आपके बहुत जल्दी, बहुत प्रॉपर फिटिंग है और हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है। क्वालिटी आप देख लो भाई, सीट कवर्स की बहुत बढ़िया होने वाली है। स्टिचिंग वगैरह कलर्स इसमें आपको सारे मिल जाएंगे, जो कलर्स आपको चाहिए सारे मिल जाएंगे। और बैक का भी आप फिटिंग देख लो, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के होने वाले। और गाइस अब हम बात करते हैं स्टेयरिंग की। स्टेयरिंग कवर हमने इसमें लगाया है, स्टेयरिंग कंट्रोल्स आप देख सकते हैं हमने इसमें इंस्टॉल किए हैं। और क्वालिटी ना भाई, स्टेयरिंग कवर के आप जानते हैं ऐसा नहीं कि गाड़ी चलाते हुए मूव करेगा, वैसे का वैसे इंटैक्ट रहने वाला ही है। और फ्रंट से भी गाइस मैं आपको दिखाऊं तो मेगा ऑडियो की इसमें हमने शानदार स्क्रीन इंस्टॉल करी है, जो कि फुली एंड्रॉयड रहने वाली है और बहुत ही स्मूथ डिस्प्ले रहने वाला है। भाई ऐसा एंड्रॉयड स्क्रीन ना भाई, आपको इसकी क्वालिटी ना कहीं नहीं देखने को मिलेगी किसी भी स्क्रीन पे। क्लैरिटी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी होने वाली है। अभी इसकी स्क्रीन गार्ड भी चढ़ा हुआ है ऊपर, तो मे भी आपको थोड़ी सी रिफ्लेक्शन ज़्यादा दिख रही हो, बट अंदर से आपको दिखाऊं तो बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। और साथ ही साथ ना भाई इसमें सारे एंड्रॉयड के ऐप्स मिलने वाले हैं, तो आप इसमें से कोई भी ऐप निकाल के डाउनलोड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, जैसे आपके एक एंड्रॉयड फ़ोन है। और ऊपर मैं आपको दिखाऊं तो सनग्लास होल्डर हमने इसको इंस्टॉल किया है, जो कि जेन्युइन पार्ट रहने वाला है हुंडई का। ये पूरी आप कटिंग देख रहे हैं, पूरी कटिंग बना के डाली जाती है। और फिटिंग भी आपको दिखाऊं ना भाई, पूरी देखो कॉर्नर से आपको दिखा रहा हूँ, प्रॉपर कट टू कट रहने वाली है फिटिंग इसमें। और इस साथ ही आप दूसरी वेन्यू देख लो, इसमें फ्लोरिंग का नीचे काम हो रहा है, पूरी क्रोकोडाइल फ्लोरिंग चल रही है नीचे। और तीसरी वेन्यू भी अपने पास गाइस आ गई है, वहाँ पे उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और इस गाड़ी में ना भाई पूरी फ्लोरिंग का काम हुआ है, तो गाड़ी ऐसे टॉप मॉडल है, इसमें जरूरत नहीं थी। तो आपको भी अगर वेन्यू का काम कराना हो तो विजिट कर सकते हैं क्रिस्टल कार केयर करोल बाग में। तो कार के ओनर भैया हमारे साथ आ चुके हैं, एक बार हम इनसे रिव्यू ले लेते हैं कहाँ से आए हैं प्लस इनको काम कैसा लगा है। तो वेलकम टू क्रिस्टल कार केयर भैया, क्या नाम है आपका? मेरा अमरजीत भैया, फरीदाबाद से। फरीदाबाद से हैं, तो हमारी शॉप पे फर्स्ट टाइम है भैया? हाँ फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम है तो कैसे काम भैया हमारे शॉप के बारे पता चला? कि मैंने यूट्यूब पे देखा, यूट्यूब पे देखा था। ठीक है भैया, काम आज मैं देख सकता हूँ वेन्यू को, आप मैं कह सकता हूँ पूरी बेस टू टॉप ही कह लो इसको। सारी चीजें आपने ऑलरेडी करवा ली है, सीट कवर से लेके जो भी रिक्वायरमेंट है, प्रोजेक्टर लगे, स्पीकर लगे। जी भैया, जी भैया, सोनी के ये सीरीज में इसलिए बता दूं क्योंकि ना मैंने यूट्यूब पे देखा था, कई लोग ना ये नहीं बता पाते, जैसे हर कोई सोचता है बेस ट्यूब लगानी है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये सोनी का ES सीरीज लगाओगे, ये मैंने यूट्यूब पे देखा था, उसने कहा सोनी का ES सीरीज से ऊपर कुछ नहीं है, और बाकी कुछ नहीं है। मैंने लोगों से जो इससे ऊपर वाला जो मॉडल है ना जी, उसमें जो स्पीकर आते हैं जी, तो मैंने कंपनी वाले भैया से भी चेक करवाई थी, वो कह रहे नहीं इसमें जो मेरी आवाज़ ही ना वो हाफ तक आती है। अच्छा, तो इसमें मेरे को डाउट लग रहा था कि आपका ऊपर वो ना लगवाना, बेस ट्यूब जिसे बोलते हैं ना जी, इसके जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं कहता हूँ मतलब आप ये लगवा लो, जैसे आप आदमी कहता ना इतना खर्चा होता, इतना खर्चा होता, बेस ट्यूब का भी तो खर्चा होगा, बिल्कुल, उसके बदले में आप ये सोनी के ये सीरीज के लगा तो एक तो हंसू आवाज है, तो मतलब भाई वायरिंग वगैरह भी वो बच जाता है और आपको एक स्पेस भी मिल जाता है डिक्की में प्रॉपर, नहीं तो वूफर पूरी जगह ले लेता है। फिर ना वो थोड़ी वो फन वो क्या कहते हैं वो टपोरी टाइप हो जाती है गाड़ी यार, तो आपको मतलब एकदम क्लीन और बेसिक और अच्छी मॉडिफिकेशन आपको बहुत अच्छा है सोनी के ES ये जो है ES सीरीज वाले जी भैया, बहुत अच्छा है यार। और पहली बार ना वो टपोरी टाइप लगता है, अब वो बेस ट्यूब रख लोगे पीछे। तो ओवरऑल मैं देख सकता हूँ सीट कवर्स लगे हैं भैया हमारे खुद की मैन्युफैक्चरिंग बैठे हो आप, क्वालिटी बहुत बढ़िया है, मैंने अच्छे हैं, मैंने क्वालिटी अच्छी है और नहीं बहुत लोग तारीफ करते हैं आपके यहाँ की। चलिए सर, आप ओवरऑल काम से सेटिस्फाइड है भैया? हाँ बढ़िया बढ़िया। चलिए थैंक यू सो मच भैया अपना टाइम देने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे पास फरीदाबाद से ये सारा कुछ काम कराया, तो गाइज अगर आपके पास वेन्यू और आप करवाना चाहते हैं ऐसा काम, तो आप विजिट कर सकते हैं क्रिस्टल कार केयर करोल बाग में। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।